हमजा, मैं जिंदगी के बहुत मुश्किल मरहले से गुजर रही थी जब आप मेरी जिंदगी में आए, और आपके इसी हौसले की वजह से मैं संभल सकी हूँ। आप ही, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर आप मुझे डिसरिस्पेक्ट करेंगी तो मुझसे भी इज्जत की तवक्को मत रखिएगा। और शायद आलिया भाभी ने आपको और भी बहुत कुछ नहीं बताया जो मैं कर सकती हूँ। शादी की खुशी में पार्टी तब देता है इंसान जब घर वाले रजामंद हो। तुमने तो छुप छुप के उस लड़की से निकाह किया है। हमेशा मुझे जलील किया जाता है, और अब यहाँ पर आंटी बात बात पर मुझे जलील करती है। मतलब मेरी बात की कोई अहमियत नहीं। ठीक है, वो चाहती है ना कि आप कैंसिल कर दें रिसेप्शन, तो आप कर दें। उनकी खुशी में मेरी खुशी है। मुझे लगता था आप कबीर से अलग हैं, गलत को गलत और सही को सही कहेंगे, चाहे फिर वो घर वाला हो या बाहर वाला हो, सबकी अहमियत अलग होगी, सबको उनके इख्तियारात दिए जाएंगे, वो बात कर सकते हैं, अपनी बात आगे रख सकते हैं। लेकिन मैं गलत थी। हमा को घर में वलीमा करने से एतराज है। मैं काम करता हूँ कि अच्छा सा वेन्यू बुक कर ले, फिर आई थिंक उन्हें कोई एतराज ना हो। जैसा आपको ठीक लगे, छू मर्सी कर। देख, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। तुम ठीक कह रही हो, हमने कोई गुनाह नहीं किया, तो फिर हम किसी की परवाह क्यों करें? तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। जकिया, जकिया एक सेकंड आना। नवाज दीदी, ये फोन आए। किसने भेजा? पता नहीं, कोरियर वाला लाया। अच्छा, रख दो और मुझे एक कप चाय बना दो प्लीज। मैं और हमजा शादी की खुशी में एक बड़ा सा रिसेप्शन रख रहे हैं, आप आएंगी ना? तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। मुझे इनविटेशन भेज के क्या साबित करना चाहती हो तुम? क्यों कर रही हो ये सब? अरे, आप इकलौती बहन है मेरी, और बहन ही बहन के वलीमे में नहीं आएगी तो कितना ऑकवर्ड लगेगा, लोग क्या सोचेंगे? और वैसे भी मेरा मायका तो आप ही है ना, तो आपको लाजिम आना है। सोचे जरा, मेरे मायके से कोई नहीं आएगा तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। ना बाबा ना, आपने जरूर आना है। आएंगी ना आप? पसंद आ गया था हमजा मुझे, लेकिन क्या उसे तो आपसे मोहब्बत थी ना? अंधा हो गया था आपकी मोहब्बत में, तो आप दोनों में गलत फहमियां पैदा करने के लिए कुछ तो कर रही था ना फिर मुझे?
तो तुमने वलीमे का फंक्शन रख ही लिया। मैंने घर में करने से मना क्या किया, तुमने होटल की बुकिंग करवा ली। वेरी गुड। करना तो था ही, तो मैंने सोचा भी क्यों नहीं, इसी बहाने फलक भी सबसे मिल लेगी। अगर तुम आए हो मुझे इस फंक्शन पे दावत देने के लिए ना, तो आई एम सॉरी बट आई विल नॉट अटेंड। मुझे आपको दावत देने की जरूरत है? आप आए, मेरी फैमिली है तो ऑब्वियसली वहीं पे होंगी ना। शायद तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, नाजिश और मैं ये वलीमा अटेंड नहीं करेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब आपने फैसला कर लिया है कि आप अपने बेटे की खुशी में शामिल नहीं हो। बहस करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, अगर तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला खुद ही कर सकते हो विदाउट आस्किंग मी योर सिस्टर, विदाउट इन्वॉल्विंग अस, तो फिर वलीमा भी खुद ही कर लो, हमारे वहां आने की क्या जरूरत है तुम्हें बेटा। ठीक है, अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो मैं इंसिस्ट नहीं करूंगा। खैर, बाय द वे, वो जो हमारे खानदानी जेवर है और जो ज्वेलरी आपने मेरी होने वाली बीवी के लिए रखी थी, वो प्लीज मुझे दे दें। क्यों, तुम्हें क्यों दूं? फलक मेरी बीवी है, उसका हक है उस पर, कल उसको वलीमे पे पहनने होंगे। वो तुम्हारी कुछ शायद लगती हो, लेकिन मेरी कुछ नहीं लगती। मैंने तो उसे बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं किया। एक ऐसी लड़की जो अपनी बहन से धोखा कर सकती है, अपनी बहन का हक मार सकती है, उसको मैं अपनी बहू कभी तस्लीम नहीं करूंगी बेटा। यू नीड टू बी क्लियर ऑन दिस। मेरा मतलब है कि कनकु, अगर उसने वो सब कर दिया तुम्हारे साथ जो उसने अपनी बहन के साथ किया है, तो हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना। अम्मा प्लीज, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? फलक ऐसी लड़की नहीं है। ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है, कैसी है वो मैं सब जानती हूँ, क्योंकि आलिया ने मुझे पूरी कहानी सुना दी है। आलिया भाभी ने जो कुछ आपसे कहा है ना, वो सब झूठ है। फलक के साथ ज्यादती हुई है, धोखा हुआ। ट्रस्ट मी, फलक आपसे बहुत मोहब्बत करती है, आपकी बहुत इज्जत करती है। उसने तो मुझे ये तक कहा था कि इस इवेंट को कैंसिल कर दूं। मामा जैसा कहेंगी वैसा कर लेंगे। आप प्लीज एक बार मेरी खातिर उससे बात तो करके देखें, आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाए। एक बार ये बदगुमानी की पट्टी अपनी आंखों से उतार के तो देखें। बदगुमानी की पट्टी मेरी आंखों में नहीं, तुम्हारी आंखों में बंधी हुई है। तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, और ये जो चिकनी चुपड़ी बातें करती है ना, इनमें तुम आ सकते हो, मैं नहीं। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं बेटा। इतने सारे लोग एक ही बात कर रहे हैं सड़की के बारे में, सब तो झूठ नहीं बोल सकते ना, कुछ तो होगा ना। बस सिर्फ तुम ही नहीं नजर आ रहा। एक बात याद रखना मेरी, जहां पे धुआं उठता हुआ नजर आए ना, बस यकीन कर लेना कि वहां पे आग जरूर लगी हुई होगी। और जिस दिन तुम्हें इसकी हकीकत पता चलेगी ना, तुम बहुत पछताओगे। आई फील रियली सॉरी फॉर यू बेटा, रियली। है बहुत काम है मुझे। हमसा, मैंने आपसे कहा भी था कि आंटी से मत कहें, वो नहीं देंगी। क्या जरूरत थी बात करने की? वो ज्वेलरी मेरी होने वाली बीवी के लिए थी, इसलिए अब उन पे तुम्हारा हक है। हमसा, चीजों की कोई अहमियत नहीं होती,
मेरी जिंदगी में आप शामिल होगे, इससे बढ़के मुझे और क्या चाहिए होगा। हम अभी और इसी वक्त मॉल जा रहे हैं, मैं तुम्हें उससे ज्यादा अच्छी ज्वेलरी लेके दूंगा। क्या हो गया हमजा, मेरे पास ऑलरेडी 3-4 सेट पड़े हैं पुराने, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आज के बाद तुम वही पहनोगी जो मैं तुम्हें दिलाऊंगा। अच्छा बाबा ठीक है, आप रिलैक्स हो जाए। सूखे जानता हूं ना तुम बर्ड गुस्सा हो, कि मैं वादा करता हूं मैं सब ठीक कर दूंगा। बस एक बार मेरा बात कर, नवाल मेरी वजह से जो तुम्हें तकलीफ हुई है मैं उसका अजाला करूंगा। तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम सब भूल जाओ। अगर फिर भी तुम्हें लगा कि हम कभी एक नहीं हो सकते तो मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। क्यों वादा है? आंटी और आप ही नहीं आए हैं? तुम जानती तो वो लोग नहीं आएंगे। जानती हूँ मैं, मगर मेहमान तो नहीं जानते ना। हर आने जाने वाला इंसान यही पूछ रहा है कि वो लोग क्यों नहीं आए हैं, सबको क्या जवाब दें हैं? इस बारे में घर पे चल के बात करेंगे, यहाँ पे बात करके अपना मेरा मूड खराब कर दो। ये वो तमाम गिफ्ट्स हैं जो तुमने मुझे दिए थे। अब मैंने तुम्हारी दीवी हर चीज तुम्हें लौटा दी है। नवाल तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। आना जरूरी हो गया था क्योंकि मुझे इस रिश्ते की कोई भी याद नहीं चाहिए। मुझे तो अफसोस है कि मैंने इतने गिरे हुए कम जर्फ इंसान से मोहब्बत की थी। अफसोस तो मुझे होता है कि मैंने अफसोस ये कुछ भी नहीं है। अफसोस तुम्हें तब होगा जब इसकी असलियत तुम्हारे सामने खुल के आएगी, तुम्हें इसका असली चेहरा नजर आएगा, जब तुम्हें समझ आएगी कि इसने सब कुछ प्लान करके तुम्हें मुझसे मतगुमान किया था। क्या बकवास कर रही हैं आप?
ये सब झूठ बोलकर इनको मेरे खिलाफ करना चाहती है ना? और हमजा आप क्यों सुन रहे हैं? गार्ड्स बुलवाएं, धक्के मार के इनको यहाँ से निकालें। तुम से तो मुझे गेंद आती है। तुम्हें तो मैंने बहन कहा था और तुम क्या निकली? एहसान फरामोश, खुदगर्ज। बस कर दो नवा, इसमें इसका क्या कसूर है? इसने क्या किया? मैंने तुमको सिर्फ तुम्हारी वजह से छोड़ा था। जिस शख्स से मैं आज तक इतनी नफरत करता हूँ, तुम उसके साथ अफेयर चलाती रही हो। इतना बड़ा बिजनेसमैन होके ना इतनी कम अकली तुम पे जचती नहीं है हमजा। आंखें खोलो अपनी, मेरा कबीर के साथ कभी अफेयर नहीं था, वो सब इसकी प्लानिंग थी। कबीर के घर मुझे लेके जाना, वहां तुम्हें फोन करना, वहां तुम्हें बुलाना, ये सब इसका किया हुआ है। आंखें खोलो और देखो तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। अफेयर चलाना होता तो तब ना चलाती जब तुम मुझे छोड़ के जा चुके थे। इसने अपने मफाद के लिए तुम्हें ट्रैप किया है। झूठ बोल रही हो, सब झूठ। अनक को मुझसे क्या वफाद होगा? तुम्हारा पैसा, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा स्टेटस, यही कहा था तुमने मुझसे। इसे झूठ बोल रही हैं आप? ये सब मैंने कब कहा और मैं क्यों कहूंगी हमजा? नहीं, झूठ मैं नहीं, तुम बोल रही हो और तुम ये अच्छी तरह से जानती हो। बस कर दे, बहुत हो गया। यहाँ आकर ये सब बातें करके आप साबित क्या करना चाहती हैं? खुद तो बहुत पार्टनर समझती हैं आप। मैं अभी तक चुप्पी सिर्फ इसलिए था कि आपकी इज्जत का तमाशा ना बने, लेकिन अगर सबको सुनना है तो मैं बताती हूँ। कबीर के साथ अफेयर चलाकर उनको मेरे खिलाफ करके मुझे तलाक दिलवा दिया आपने, और अब यहाँ आकर हमजा को मेरे खिलाफ भड़का रही है। पता नहीं क्या सच्ची झूठी बातें कर रही है। क्यों मेरी जिंदगी से चली नहीं जाती है? मुझ पर एहसान करे, मेरी जिंदगी बख्शे, चली जाए यहाँ से। मुझे अपने आप को पार्षद साबित करने के लिए किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। नवाल, तुम चली जाओ यहाँ से। इससे पहले कि मैं इससे पहले कि तुम क्या? तुम अपनी एक्स फियांसे के साथ क्या करोगे? मुझे खुद निकालोगे यहाँ से, घसीटोगे, मारोगे क्या? लेकिन पता है, इट्स नॉट इवन योर फॉल्ट, बट तुम्हारी मर्जी। ऐसा है, इंसान अकल से पैदल हो जाता है, अंधा हो जाता है, और तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। अल्लाह तुम्हारी रस्सी दराज कर चुके हैं वलद, लेकिन एक चीज मैं तुम्हें जरूर कहूंगी कि ये दुनिया मकाफात अमल है, जो किया है वो भुगतना पड़ेगा, और अल्लाह किसी का जफर जाया नहीं होने देते। एक मेरी जिंद कली दुख ने हजार वे टूटे आए मान मेरा की कवा यार वे लंबी जुदाई तेरी रख देवे साड़ के जद आवे याद तेरी लंगे सीना पाड़ के जब भी याद किया एक हो कालिया बाजी हारी शर्ता विहारिया के नाल रवेगा मेरे। और हमजा आप तो जानते हैं ना मैं झूठ क्यों बोलूंगी। अरे बकवास बंद करो। आज आप काफी फ्रेश लग रही हैं, खुश लग रही हैं माशाल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लंबी बीमारी के बाद ठीक हुई।
तुमसे नफरत करता हूं, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मैं कभी माफ नहीं करूंगा। हमजा, खुद को संभालें आप। वो समझती क्या है खुद को? अगर मैं चाहता ना, उसकी हर बात का जवाब मैं उसे वहीं पे दे सकता था, लेकिन मैं फिर भी चुप रहा। क्यों? सिर्फ उसकी इज्जत की खातिर। लेकिन उसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी सबके सामने। कितना एम्बैरेस हुआ हूं मैं। तो वो वहां आई इसलिए थी ताकि हमारा फंक्शन स्पॉइल कर सके जिसमें वो कामयाब हो गई है। खुद की हालत देखें आप। उसको इनवाइट किसने किया? तुमने इनवाइट किया ना? अगर उसको इनवाइट करना ही था तो मुझसे पूछ तो लेती एक बार। इनवाइट करना चाहती थी इसीलिए इनवाइट किया। वो खुद को मेरी बहन नहीं समझती, मगर मैं तो उसे अपनी बहन समझती हूँ ना। उसके सिवा है ही कौन मेरा इस दुनिया में। मैंने सोचा था कि वहां आएंगी, अपनी बहन को दुआ देंगी। मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ तमाशा करेंगी। मैंने तो इस सोच से बुलाया था कि पुराने सारे गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे, मगर उन्होंने क्या किया? आकर ना अपनी इज्जत की परवाह की ना हमारी। बहरहाल जो भी हुआ बहुत गलत है। इस सारे शहर के बड़े बिजनेसमैन आए हुए अपनी फैमिलीज के साथ। इतनी एंबैरेसमेंट हुई है मुझे उनके सामने। एंबैरेस तो मैं भी हुई हूं ना। मेरी सारी फ्रेंड्स वहां पर थी, मेरे जानने वाले लोग थे। क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? सबके सामने आकर तमाशा करके चली गई है। क्या तमाशा है? क्या शोर मचाया हुआ है तुम दोनों ने? क्या हो गया है? आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब है तुम्हारा? वहां पे आया हुआ हर गेस्ट मुझसे पूछ रहा था कि मेरी शादी के रिसेप्शन में मेरी फैमिली किधर है। आपको पता है आपकी वजह से कितनी एंबैरेसमेंट हुई है? और अगर हम तुम्हारे उस फंक्शन में आते तो हम कितने शर्मिंदा होते हैं, सोचा है तुमने? क्या हो गया मामा? मैंने निकाह किया इसके साथ, कोई गुनाह नहीं किया। जो छुप के निकाह करते ना, वो गुनाह के जिम्मे में ही आता है बेटा। निकाह तो अलानिया होता है, खानदान वालों के साथ, यार दोस्तों के साथ। और जो छुप के करते हैं ना निकाह, उनके दिल में चोर होता है। मोहन मम, आप क्या टिपिकल औरतों वाली बातें कर रही हैं? हमसा क्या हो गया तुम्हें? ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? एक तरह से ना अगर हमने अच्छा ही किया है, हमारी वजह से कोई बदबद ही नहीं हुई है। रहने दो नाजिश, वो किसी और चीज का गुस्सा हम पे उतार रहा है। क्या सोचा था तुम दोनों ने? मुझे खबर नहीं मिलेगी। मामा किस बात का गुस्सा? क्या बात कर रही हैं आप? इन्होंने अपने फंक्शन पे नवाल को दावत दी, वो आई भी, और हमजा ने जितने तोहफे उसको दिए ना, उसके मुंह पे मार के गई है। सबके सामने बेइज्जत किया है उसने। क्या सोचा हुआ था कि वो फूलों का हार लेके आएगी, खुशी खुशी मिलेगी तुम दोनों से? पागल हो गयो? अरे तुमने उस लड़की की जिंदगी तो बर्बाद कर दी है। मेरे बेटे का तो पीछा छोड़ दो आप। मुझे भी कोई शौक नहीं है उससे बात करने का। उसने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, और ना ही वो कबीर के साथ किसी रिश्ते में है। तुम इसके भरोसे पे चल रहे हो? जिन्होंने ऐसे पाला पोसा उनकी नहीं हुई, अपनी सगी औलाद को छोड़ दिया। क्या सोच रहे हो? तुम्हारे और मेरी हो सकती है ये? आंटी लोग मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हैं? इल्जाम नहीं है, हकीकत है। ये तो तुम्हारे मोहब्बत में ना पागल हो गया, अंधा हो गया है, लेकिन मुझे सब नजर आ रहा है। आपको क्या नजर आ रहा है? आपको मेरी तकलीफ नजर आ रही है? मेरी बच्ची मुझसे दूर कर दी गई, मुझसे छीन ली गई जबरदस्ती। कितनी तकलीफ में हूँ मैं नजर आ रहा है आपको? आप समझ ही नहीं सकती है, उल्टा मुझे इल्जाम दे रही है। और हमजा आप तो जानते हैं ना मैं झूठ क्यों बोलूंगी। अरे बकवास बंद करो, आलिया ने मुझे पूरी कहानी सुना दी है। किसी ने तुम्हारी बेटी को तुमसे नहीं छीना, खुद तुम अपनी बेटी को अस्पताल में छोड़ के आई हो। हमजा ये क्या कह रहे हैं? झूठ बोलती है वो। मैंने आपको हजार बार समझाया कि फलक पे जुल्म हुआ है, लेकिन आप इस बात पे यकीन ही नहीं कर रही हैं। मामा आपने फलक से बहुत बड़ी बात कह दी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हाँ गलत तो मैंने ही किया है,
इसने ही किया है। तुमने तो कोई चीज गलत नहीं की, ना इसने कोई चीज गलत की है, ना गलत तो हम ही है। चलो भाई रहने दो मामा। कम ऑन फॉरगेट इट। कुछ मत कहिए अंसा, बहुत दिल दुखा है मेरा आज। आंटी ने मेरे सारे जख्म करेद दिए, इतनी मुश्किलों से मैं खुद को समेटने की कोशिश करी थी, ये सब कुछ हो गया। सबकी नजरों में सिर्फ मैं बुरी हूँ, मैं ही सबका शायद बुरा चाहती हूँ। काश मैं मर ही जाऊं, सबकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, सबकी नफरतें खत्म हो जाएंगी मुझसे। देखो ऐसा मत, आई नो मामा ने गुस्से में तुम्हें कुछ ज्यादा बोल दिया, उनकी बातों को दिल पे मत लो। इनफैक्ट मामा क्या तुम्हें किसी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। काश आप इस वक्त यहाँ होती मेरे पास। बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ आपके बगैर। हाँ जी, क्या हो रहा है? वे प्लेइंग टिक टैक टू, और जबा मैं स्टार्ट करूंगी, पता नहीं क्या ट्रिक करती है, हर एक में जीतती है। अच्छा, बाय द वे आलिया, तुम्हारी कबीर से बात हुई, तुमने बता दिया ना उसे कि हम लोग यहाँ परमानेंटली सेटल डाउन हो रहे हैं? नहीं, अभी बताया तो नहीं, बात ही नहीं हो सकी। अच्छा चलो ठीक है, जब मौका मिले तब कर लेना बात उसे, और तुम पैकिंग कर लो, मैं एक दो दिन में तुम्हारा टिकट करा देता हूँ। और आलिया प्लीज जाते साथ ही इसकी स्कूलिंग से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स हैं बनवा लेना, ताकि वक्त ज़ाया ना हो। और हाँ, इलहाम की कस्टडी के पेपर्स और इसका पासपोर्ट भी बनवा लेना। ताकि वो कभी नहीं मानेगा। आने से पहले मैंने बहुत फोर्स किया था उसे, लेकिन वो भी ठीक ही कह रहा था, वहाँ अकेला रह जाएगा। आलिया, वो बिजनेस के साथ किस तरह ख्याल रखेगा इलहाम का? फॉर गॉड सेक, उसे काम के सिलसिले में इतनी ट्रैवलिंग करनी होती है, हाउ विल ही मैनेज? देखो बेहतर है कि इलहाम हमारे साथ ही रहे, तुम कबीर से कहो कि इसकी जिम्मेदारी हम पे छोड़ दे। आपको क्या लगता है मैंने ये सब नहीं कहा होगा उसे? तो क्यों वो नहीं मानता? ठीक है, फिर मैं खुद करूंगा उससे बात। फिर हम हमारे साथ ही रहे, तुम बस उसका पासपोर्ट बनवा लेना। ठीक है। मुझे तो अफसोस है कि मैंने इतने गिरे हुए कम ज़र्फ़ इंसान से मोहब्बत की थी। चौधरी साहब जी, एक हफ्ते का आपका यूरोप का ट्रिप है, टीम कंपनी से आपकी मीटिंग्स और एक मेगा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी है आपने। ठीक है, आप मुझे स्केड्यूल टेक्स्ट कर दें, मैं देख लूंगा। राइट सर। सर आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सर मीटिंग रेडी है, सब आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, आप जाएं।
ओके सर। प्लीज आप मीटिंग अटेंड कर लें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं घर जा टाइट सर। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। सवाल आप आई थी वो, असल में मैं ना इसे मिस कर रही थी तो सोचा इलहाम से मिल लूं। बहुत अच्छा किया आप आई। देखो इलहाम बेबी कौन आया, खाला आई है आपकी। लेकिन भाई खाला गॉट अपनी जान के लिए। ये देखो, ये देखिए पसंद आया। ये आपने क्यों तकल्लुफ किया, इसके पास तो वैसे ही बहुत सारे टॉयज है ना। अरे मैं अपनी खुशी से लाई हूँ। ये देखो कोई बात नहीं। अरे आपको ठीक लग रहा है? अच्छा इट्स अ लिटिल बिगर, इसमें कोई बात नहीं। ये वाला एक्चुअली इसके एग्जैक्ट साइज का था, कलर कितना अच्छा लगेगा। दैट्स ब्यूटीफुल, वेरी गुड। वैसे नवाल इस सब की क्या जरूरत थी इस तकल्लुफ की? देखे ये खाला भांजी का मामला है तो इस मामले में ना इसे जब भूख लगती है ना इसी तरह रोती है। ये देखिए अभी भी रो रही है, एक मिनट के लिए नहीं रुकती। ये रोती है तो मुझे तकलीफ होती है, आप यकीन करें। वैसे आज आप काफी फ्रेश लग रही हैं, खुश लग रही हैं माशाल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लंबी बीमारी के बाद ठीक हुई। वैसे कबीर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मैं जब बीमार हुई थी आपने जिस तरह से मेरा ख्याल रखा, मैं आपकी एहसान मंद हूँ। इंसान होने के नाते मेरा फर्ज बनता था ये सब करना, आप प्लीज इस बारे में इतना मत सोचें। ना कुछ हो गया तुम्हारे साथ, पर तुमने जब बताया नहीं एक कॉल ही कर देती तुम मुझे बेटा। आपको बता भी देती तो आप क्या कर लेते? फलक की अकल ठिकाने लगा देती आकर। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, टाइम भी साथ घर छोड़ देती है। उसे शर्म नहीं आई, उसने तुम्हारे मंगेतर से शादी कर ली। जो हुआ अच्छा ही हुआ, कम से कम मुझे अपने पराए की तो पहचान हो। हमसा तो बहुत समझदार लड़का, वो फलक की बातों में कैसे आ गया? क्या उसने तुम्हें नहीं देखा था, तुम्हें जानता नहीं था? इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उसने तुम्हारे ऊपर। फलक ने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। मैं तो हमेशा से कहती थी कि वो एहसान फरामोश, मत करो उसके ऊपर इतने एहसान, लेकिन तुम्हें और सुल्ताना को मेरी बातें ही नहीं समझ में आती थी। जो हुआ सो हुआ, हमने तो सब कुछ नेकी समझ के किया था, बदले में शर्म मिलेगा इसका तो अंदाजा नहीं था हमें। वो मानी, मैं कभी कभार सोचती हूँ कि अम्मी चली गई लेकिन शायद इसमें कोई बेहतरी थी, क्योंकि अगर वो फलक का ये रूप देख लेती तो मानी उन्हें बहुत दुख होता, और वो खुद को ही कोसती कि शायद उन्होंने अपनी परवरिश में कोई कमी छोड़ दी। बहुत समझाया था मैंने सुल्ताना को, खिदर रखना भी है तो तरीके से रखो, लेकिन उसने कभी मेरी बात नहीं सुनी। बहुत बेवकूफियां की हैं सुल्ताना ने, और जाते जाते अपनी आधी जायदाद का मालिक भी बना दिया उसे। जब पुरानी बातें मत दोहराएं, जो हो चुका है उसको तो हम नहीं बदल सकते। देखना नवाल,
अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर सबब पैदा करेगा। जिनकी नीयत साफ होती है ना, अल्लाह उन्हें जरूर नवाजता है। बदनीयतों के घड़े हमेशा खाली रहते, और फलक ने जो तुम्हारे साथ बुरा किया ना, उसको उसकी जरूर सजा मिलेगी। अच्छा चलिए, छोड़े इन बातों को, मुझे बताएं कि माओ कैसे हैं, वो खुनी है इस हाथ में। दो चार दिनों में आएंगे, बिजनेस के कुछ मामलात थे इसलिए रुक गए। मैंने सोचा मैं अपनी बेटी के पास जाऊं और उससे मिल के आऊं। बहुत अच्छा किया जो आप आ गई। चलें आप सफ़र करके आइए, थोड़ा आराम करें, तो मैं खाना लगवाती हूँ। मेरी दुआ अल्लाह ताला तुम्हें सदा खुश रखे, तुम्हारी जिंदगी में जो मुश्किलात आई वो दूर हो जाए। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो, क्या बात है? वो एक्चुअली मैं कल से जॉब पर नहीं आऊंगी। क्या? आप इल्हाम बीबी के लिए कोई और बंदोबस्त कर लें। अगर क्यों, हुआ क्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सैलरी में मसला है? नहीं नहीं, कोई परेशानी है सैलरी का मसला नहीं है। वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड की ना हैदराबाद में जॉब हो गई है, हमें इसी वीक वहाँ पर शिफ्ट करना है। अगर ऐसी कोई बात थी तो मुझे पहले से बताना चाहिए था, मैं इतनी जल्दी नई नानी कहाँ से अरेंज करूँगा। मुझे खुद आज पता चला है, मुझे पहले पता होता तो मैं आपको ज़रूर पहले बता देती। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, आपको कोई ना कोई मिल जाएगी। परेशानी की बात तो है ना, इल्हाम तुम्हारे साथ बहुत अटैच्ड हो गई थी, मुझे भी फिक्र नहीं होती थी। मैं भी उससे काफ़ी अटैच हो गई हूँ और मैं उसे बहुत मिस करूँगी। आपने बिला वजह की टेंशन दे दी मुझे। ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक आप शिफ्ट नहीं होती उस वक्त तक आ जाएं, तब तक मैं कोई नई नैनी का अरेंज कर लूंगा। नहीं सर, मुश्किल है, पैकिंग भी करनी है और मैं अकेली हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैंने ना सारी चीजें नोट्स बना के रख दी हैं। आप जिसको भी इल्हाम के लिए अपॉइंट करेंगे उन्हें दे दीजिएगा, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर कोई भी परेशानी हुई तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं समझा दूंगी। ठीक है, शुक्रिया सर।